नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के स्थानीय भाजपा नेता और वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील उर्फ सोनू कक्कड़ को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उसके बाद मैसेंजर के जरिए वीडियो कॉल करके ऑनलाइन हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया। इलाके में चर्चा का विषय बने इस मामले को लेकर के एक तरफ जहां पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी नेता ने साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सुनील उर्फ सोनू कक्कड़ की शिकायत शहर थाना पुलिस में IPC की धारा 384 के तहत अदाया राजपूत नाम की लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्योंकि इसी नाम से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट बीजेपी नेता सुनील सोनू कक्कड़ को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मैसेंजर पर वीडियो कॉल करके बीजेपी नेता से बात की गई और ब्लैकमेलिंग को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। वीडियो कॉल के बाद उनकी पत्नी और भाई को मैसेंजर के जरिए अश्लील वीडियो भी भेजा गया, जिसमें ऊपर का हिस्सा यानी चेहरे को लेकर के कमर तक का हिस्सा सोनू कक्कड़ है, जबकि कमर के नीचे का हिस्सा किसी और का है। इसी वीडियो का डर दिखाते हुए पैसे की डिमांड की गई। सोनू कक्कड़ ने बताया कि बदनामी को लेकर के काफ़ी डर के कारण पेटीएम और गूगल पे के जरिए 11,000 रुपये आरोपी को भेजे भी गए हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि फतेहाबाद के SP की पड़ताल में अभी तक बताया गया है कि जिन नंबरों के जरिए कॉन्टैक्ट किया गया है, आरोपी के ये नंबर UP और बिहार में हैं। ऐसे में पुलिस की टीमें साइबर टीम के साथ पूरे केस के गंभीरता से जांच कर रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश महाबू की विशेष रिपोर्ट। सर, ये मामला है, मेरे पास ये 16 तारीख को एडा राजपूत के नाम की एक रिक्वेस्ट आई, मुझे नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। उसका मैसेंजर पे मेरे पास मैसेज आया, हेलो कैसे हो। मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। आधे घंटे पर फिर मैसेज आया, हेलो। फिर मैंने कहा कौन। तो उसके बाद इसका मैंने कोई जवाब नहीं, हेलो के बाद कोई मैसेज नहीं आया। इसने फिर मेरा मैसेंजर से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाला जो फेसबुक पे होता है, उस पर फिर व्हाट्सएप पे इस पर मेरे पास वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल उस टाइम जो वॉशरूम में था, वीडियो कॉल आई और मैं वॉशरूम सीट पर बैठा हुआ था। मैंने इसे पूछा कौन कौन कौन, मैंने 15-20 बार पूछा कौन कौन कौन। 41 सेकेंड हमारी बात हुई टोटल। कोई इसने म्यूट कर रखा था, इसने बिल्कुल अपना जो म्यूट का ऑप्शन होता है वो कर रखा था, इसने आवाज़ नहीं दिया। उस लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, इतने में मैंने वो कॉल काट दी 41 सेकेंड में। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मेरी अडल्ट वीडियो, मेरा फेस तो मेरा है, नीचे वाला जो शरीर का हिस्सा होता है वो किसी का है। मैंने डर गया, मैंने इसको उस टाइम ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इसने मेरी मैडम को, मेरी वाइफ को और मेरे भाई को मैसेंजर पे वो वीडियो भेजी। जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उन्होंने इस टाइम डिलीट कर दी। उसका फिर मेरे पास फिर मैंने उसको अनब्लॉक किया। मैडम का मैसेज आया, क्या मैटर है। फिर मैंने उसको अनब्लॉक किया, उसका मैसेज आया, मुझे भी पेमेंट दो नहीं तो मैं ये वीडियो आपकी वायर कर दूँ। मैं डर गया, मैंने 11,000 रुपये उसके अपने पेटीएम उसके अकाउंट में डाल दिए। दोबारा आधे घंटे फिर मैसेज आया, मुझे 11,000 रुपये और चाहिए। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी, मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने इसे अपने दोस्त से 11,000 रुपये लेके और डलवाए। फिर 10 मिनट फ़ोन आया भी, अपने पेटीएम का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तुम्हारे पेटीएम में कितना बैलेंस है। मैंने अपना पेटीएम का बैलेंस दिखाया, उसको स्क्रीनशॉट भेजो। मेरे में 1180 रुपये पड़े थे, 1180 में से 450 रुपये फास्टैग के थे। कहती है 780 बचते हैं, वो 780 मेरे में डाल दो। 780 मैंने वो डाल दिए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में डिप्टी साहब के पास गए, डिप्टी साहब को लिख के हमने एप्लीकेशन दी। डिप्टी साहब कहते मैं 1-2 दिन में इनकी कार्रवाई, इनके नंबर ट्रेस कर देता हूँ। उसके बाद हम मैंने कोई काम पे चला गया, उसके मैं उसका फोन कोई फ़ोन नहीं आया 2 दिन मेरे पास। 2 दिन बाद उसका फिर मैसेज आया, अभी कितने पैसे और दे सकते हो। फिर मैंने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने सीधे SP साहब घंटी मारी, ये मामले को आप खुद देखो। SP साहब ने वो मुझसे नंबर लिए, सब कुछ लिया। उसके बाद SP साहब ने SHO साहब घंटी मारी, फिर उन्होंने अपनी 384 का मामला दर्ज किया। पर यही बात है, भाजपा के नेता के नाम पे आप लोग जानते हैं, वार्ड पार्षद भी है, प्रतिनिधि भी आप हैं, आपको लगता है कि कोई साजिश के तहत आपको फंसा रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई मुझे अपना फतेहाबाद का बंदा तो नहीं लगता। मैं ये इतनी नीच हरकत फतेहाबाद का बंदा नहीं कर सकता।
बाकी ये मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है एसपी साहब ने मुझे बताया था बाहर के नंबर है, यूपी बिहार के नंबर हैं। बाकी देखो मेरे को पुलिस पे पूरा विश्वास है, वो पूरी कार्रवाई करेगी। और कुछ जो मीडिया में कह रहे थे ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैं खुद चाहता हूँ एसपी साहब से गुहार लगाना चाहता हूँ, ये दूध का दूध पानी का पानी करें, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। धन्यवाद जी। नीति को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा, क्या पूरा मामला है? हाँ, जो ये है, सुनील कुमार ने थाना शहर फतेहाबाद में एक एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर उसने आरोप लगाया है कि उसका न्यूड फोटो भेजकर उस पर दबाव बनाकर पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर हमने FIR दर्ज कर ली है और अब जो है आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो पता चल पाया सर किसके द्वारा ये पैसे मांगे? अभी तक जो है ना नहीं पता चल पाया है, आगे ये तफ्तीश की बात है और तफ्तीश के दौरान उनका पता लगाकर इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मामला दर्ज हो चुका है सर? जी, मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई जारी है सर। कार्रवाई जारी है।